हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। टाइटल पढ़कर आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि ये मेरी कुकिंग वीडियो है। आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मटन। जो मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी मसाला पीस कर नहीं डालती हूँ। ये रेसिपी जो है सो बहुत मेरे हस्बैंड ने एक बार मेरे को बनाकर खिलाए। पहले मैं मसाला पीस कर बनाती थी, तो मेरे मसाला पीस कर जान बनाती थी बहुत देर लगता था। एक बार मटन भूंजो, फिर उसके बाद मसाला भूंजो, तब बनता था। और जब लोगों के पास मिक्सी नहीं है, जो बाहर में है वो इस तरह से बनाकर खा सकते हैं, बिना मसाला पीसे इस रेसिपी से बना सकते हैं। 1 किलो मटन है। 1 चम्मच हल्दी, बड़े चम्मच से, 1 बड़े चम्मच से धनिया पाउडर, और 1 काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच छोटी चम्मच से, ये नमक स्वाद अनुसार जितना मतलब स्वाद हो डालने के लिए, और ये फोरन के लिए पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, सहजीरा। हम 5 ठो प्याज मीडियम साइज का काटे हैं, मिर्ची जितने तीता आप खा सकती हैं उसके मुताबिक, ये लहसुन, अदरक को कद्दूकस कर लिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, गैस ऑन करते हैं। चलिए कुकर गर्म हो गया है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। 3 चम्मच बड़े चम्मच से तेल। तेल डालने में आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा, तेल से ही मटन पकेगा। ये देखिए दोस्तों, हमने इतना तेल डाला है, गरम हो गया। अब देखिए हम फोरन डालेंगे। देखिए सब लहसुन, मिर्चा, अदरक ये सब हम डाल देंगे इसी में, और फिर प्याज भी डाल देंगे। और इसको हमको खूब ज्यादा भूनना है, इसको गोल्डन कलर नहीं करना है, हमको हल्का सा भूनना है। अब हमको इतना भूनना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए, तब हम इसमें हम डाल देंगे मटन। ये देखिए हो गया है, अब इसमें हमको मटन डालने का टाइम आ गया है, डाल रहे हैं मटन। अब देखिए मटन डाल रहे हैं। अब देखिए हम मसाला सब डाल देंगे इसमें साथ में ही। और नमक भी। देखिए मैं स्टार्टिंग में ही सारा मसाला हर चीज डाल दे रही हूँ इसमें। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को तो अटपटा लग रहा होगा कि मैं स्टार्टिंग में ही सारे मसाले चिकन मटन के साथ ही डाल दी, लेकिन बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी बनेगा। एक बार बनाकर तो देखिए, तो आप बार बार बनाएंगे। देखिए इसको पकने में टाइम लगेगा, इसको हमको कम आंच पर पकाना है, बहुत कम आंच पर, 0 साइज आंच पर हमको पकाना है, मतलब लो पर। ढककर इसको छोड़ दीजिए। इसमें हम पानी रख दिए हैं कि जो ऊपर नीचे से भाप आएगा वो भी भाप नीचे ही गिरेगा, तो उससे जल्दी पकेगा मेरा। जल्दी करेंगे तो कच्चा रह जाएगा, और लेट करेंगे तो जल जाएगा। तो हम 40 मिनट इसको पकाएंगे। आप भी इसको बिना हड़बड़ी किए 40 मिनट तक धीमी आंच पर पकाइएगा, हम भी पकाएंगे इसको। छोड़ने लगा, ये मसाला भुजा गया। अब इसमें हम थोड़ा सा मीट मसाला डालेंगे, 1 चम्मच। देखिए फ्राई होकर
कितना सुंदर दिख रहा है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, ये तो पक गया है, थोड़ा सा और पकाएंगे। पानी डाल के जो हम इसके ऊपर रखे थे पानी, ये वाला ये गरम है, इसको हम डाल रहे हैं। अब इसमें जितने ग्रेवी आपको रखना है उस तरीके से आप पानी डालिए। अब इसको हम 10-15 मिनट पका देंगे। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।